Namaste Roger. viewers. The Namaste Indian Roger. Space Research R2 switch on the Organization is pulsar. gearing for its rendezvous with the Sun. R2 pulsar on. To take you along on the live telecast of this momentous event today, I am Madhuri, giving the commentary in English. P4 remote here, you can switch with on the me radio. Is my co-commentator, Shivikas. अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S-139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे तीन मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा। और इस तरह तैयार होता है पीएसएलवी का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है पीएसएलवी C-57 एक्सएल मिशन। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। 3099 seconds or 63 minutes 19 seconds. Event number 4. Apart from Doordarshan, you can watch computer. The live telecast on ISRO website, Roger. YouTube, Facebook, and Twitter. अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं, चलन शुरू होगा। लेकिन इस दौरान वह स्वचालित तरीके से सभी जांच जारी रखे हुए हैं। PS2 control system, rudder and chain actuation in progress. On your TV screens, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. This mission is the 91st launch mission of ISRO and 59th of workhorse PSLV. As mentioned earlier, PSLV's XL version with 6 strap-on motors alongside the core S-139 motor is being used for the present mission. This is the 25th time PSLV XL is getting ready for launch. इसको पृथ्वी से 235 by 19,500 km की which compares the present state of rocket to the intended injection point to compute an optimal trajectory. Regime of the second stage which lasts for 153 seconds. PS2 was separated 262.4 seconds into the flight at an altitude of 130 kilometers, while the relative velocity is 4.9 kilometers per second. The third stage PS3 ignites in no visibility zone, and the second burn is tracked by a shipborne terminal. Controller और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। विभिन्न ऊंचाई पर वायुगति माप ली गई है और इसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। The Satish Dhawan Space Center has its own meteorology department which keeps a very close यह PSLV C-57 का प्रमोशन यान ट्रैकिंग के संदर्भ में भी काफी जटिल है। इसे ट्रैक करने के लिए शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बैक स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें वास्तविक समय पे यान की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। लेकिन चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के समय यान हमारे ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से दूर जा चुका होगा, इसलिए शिपबोर्न ट्रैकिंग यशोबोन टर्मिनल को दक्षिणी पैसिफिक महासागर में स्थित किया गया है। वह हमें PS4 बर्न 1 और बर्न 2 की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब हम उड़ान से 1 मिनट 50 सेकंड की दूरी पर। यह PSLV की 59वीं उड़ान होगी और इस PSLV XL संस्करण में यह 25वीं उड़ान है। इसरो के वर्क हॉर्स कहे जाने वाले इस रॉकेट कई ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसमें चंद्रयान 1 और मार्स ऑर्बिटर मिशन उल्लेखनीय हैं। यह प्रमोशन वर्ष 2023 का 7वां मिशन होगा। इस साल की शुरुआत में SSLV के सफल प्रमोशन से शुरुआत कर LVM3 के 2 प्रमोशन, GSLV Mark 2 का 1 और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में 3रा मिशन है। All stations, stand by for the timer. T-minus 1 minute and counting. Minus 55 seconds. All subs are armed. Minus 50 seconds. All seconds are armed. तो हमारे साथ बने रहिए।
अब 40 सेकंड पर माइनस 40 सेकंड प्रमोशन किया जाएगा। वीएचपीपी ओपन माइनस 35 सेकंड्स, माइनस 30 सेकंड्स, रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड, माइनस 25 सेकंड्स, पीएस2 वीएसपीपी ओपन, माइनस 20 सेकंड्स, पीएस1 इग्निशन आरंभ से आम, माइनस 15 सेकंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हां, इसकी भी पुष्टि हो गई है, स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 8 वर्तमान में यान क्लोज्ड लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per payload second. Payload fairing separated. The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. हट जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है।
We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. ठीक क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा. Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Amanira Akasha Mandalasya, Chakravarti Khechara Chakrasya, Deepako Brahmanda Bhandasya, Asaya Yuva Charkarti, Bharvati, Jarhati Jajagat. This mighty jewel, the light of eastern sky, who generates, operates, and destroys the universe. While the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of earth, the explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. Sudur samvedan nitbhar mein surya ka prekshan karne ke liye VELC corona pratibimban aur varnakram mapan ke liye hai. Solar ultraviolet imaging telescope jo ki sankirn aur broadband frequency mein photosphere aur chromosphere pratibimban यह पैराबैंगनी प्रतिबिंबन टेलीस्कोप है. इसी क्रम में अगला है SOLEX, सोलर लो एरे लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है, जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा. इसमें HEL1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जो कि हार्ड एक्सरे वर्णक्रम मापी है. इसकी अभिकल्पना सोलर फ्लेयर के अध्ययन के लिए की गई है. यथास्थिति निर्भर में आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसका उद्देश्य है सोलर पवन, सौर पवन में भारी आयन्स, प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल का विश्लेषण करना. अगला है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य. यह भी सौर पवन में उपस्थित कणों में इलेक्ट्रॉन और भारी आयन्स की दिशा के साथ विश्लेषण करने के लिए इसे बनाया गया है. एडवांस ट्राइएक्सियल हाई रिजोल्यूशन, इस कालावधि में ग्राउंड स्टेशन की दृष्टि से बाहर जा चुका होता है और यान के ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर टेलीमेट्री स्टोरेज पर यान के महत्वपूर्ण आंकड़े सेव किए जाते हैं. जब यह हमारे तय ग्राउंड स्टेशन की रेंज में आते हैं, तब इन आंकड़ों का प्रसारण होता है और वहां से इनकी पुष्टि की जाती है कि यान इस दौरान किन गतिविधियों से कार्य के लिए. इसमें 7 निर्भर लगे हुए हैं, जिनकी मदद से आदित्य L1 फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य के बाहरी परत के विभिन्न वेवलेंथ में प्रेक्षण कर सकेगा. अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है. इसकी पुष्टि कर दी गई है. आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर.